अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी से रिलेटेड है। इसको डॉक्यूमेंट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग से बढ़कर एक डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ी है। हमने इसको फुल कवर किया है, डिटेल्ड कवर किया है, ताकि आप सब घर बैठे पूरे अयूब नेशनल पार्क की सैर कर सकें और इससे लुत्फानंदोज़ हो सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक दीजिएगा और पूरे व्लॉग को एंजॉय करें आप, ठीक है। बात मैंने कहनी थी कि क्या नाम है, जो लोग हमें देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी वीडियोज़ की उनको नोटिफिकेशन मिलती रहा करें, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं और शर्जील इस वक्त अयूब पार्क पहुँच गए हैं, सुबह का वक्त है। और कैसे हो सब लोग? ठीक है यार, ये हमारा फर्स्ट ऐसा व्लॉग है जो हम बिल्कुल व्लॉग की नीयत से बना रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ दिखाएंगे आपको अयूब पार्क से। हम इस वक्त अभी हम जो हैं वो लेक साइड पर आए हुए हैं और वहाँ से हमने आगाज़ किया है अपनी वीडियो का। लेक के खूबसूरत मनाजिर दिखाते हैं आपको। वैसे तो बंदा खुद बोले ज़्यादा अच्छा रहता है बाद में, क्या कहते हो? यार वो क्या है, मगरमच्छ तो नहीं है? डक्स हैं। नहीं, डक्स है। मुझे एक तो मगरमच्छों से बहुत डर लगता है सच में। जो मैं उधर गया था ना मरगजार जू, वहाँ पे थे, नीचे जाने देते हैं ना यहाँ से? कौन पूछता है यहाँ यार, यही फायदा है गवर्नमेंट का है। आओ बच के रहना समुद्री हैवानों से। सांप ही होते हैं यहाँ। होते तो हैं जानी। यार हम नीचे आ चुके हैं सीआईडी की तरह, जैसा दया और कौन सा था, अभिजीत। अभिजीत आ चुके हैं, सीनियर इंस्पेक्टर दया और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हम यही सोच रहे हैं यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, कोई तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। कोई तो गड़बड़ है बिल्कुल। और बस यार ना, ये जगह जो है वो बड़ी खूबसूरत है और सुबह सुबह के टाइम कोई है भी नहीं इधर, तो बड़ा प्यारा मंजर है। और डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह अमला मौजूद नहीं है यहाँ पर बोटिंग के लिए, ये भी नालायकी है यहाँ की, वरना आप अच्छा कमा सकते हैं लोगों से। वो पानी का जो बीच में म्यार है, म्यार भी साफ नहीं है। और दूसरा मुझे लग रहा है ये शुरू से तो इतना डूंगा नहीं है, लेकिन आगे जाके शायद ये है दलदली पानी, दलदली पानी, और ये धोखा दे रहा है हमें, ये अंदर से खतरनाक हो सकता है। वाइल्ड रॉक और हमारे लीडर्स और हमारे सोल्जर्स के हवाले से ये है, वो लोग जो जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया था, ये उनकी याद में यहाँ पे लगाया गया है। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन सब के नाम भी लिखे हुए हैं इधर। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर, सरवर मोहम्मद हुसैन, मेजर राजा अजीज भट्टी, मेजर मोहम्मद अकरम, लांसी नायक मोहम्मद महफूज शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मेनास, हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर कारगिल में जो हुए थे टाइगर हिल के ऊपर, और मेजर शबीर शरीफ साहब जो कि शहीद, जो कि लेफ्ट जो जनरल राहील शरीफ के भाई भी थे, और मेजर अजीज़ भट्टी का भी आपको पता है कि वो राहील शरीफ साहब के मामू थे। तो चलें जी प्राइड रॉक की तरफ चलते हैं। बस यार बड़े अच्छे लोग थे ये सारे। हम यार प्राइड रॉक्स की तरफ ऊपर जा रहे हैं इस वक्त, और वो सामने रहे प्राइड रॉक्स ऊपर हैं हमारे। शर्जील जल्दी चलो यार, सीढ़ियाँ चढ़नी है। वो सामने प्राइड रॉक्स हैं ऊपर, वो देखें, वो इन सारे शहीदों की तस्वीर जो है वो एक पहाड़ नमा या एक रॉक के ऊपर उन्होंने बनाई हुई है। तो हम ऊपर जा रहे हैं इस वक्त सीढ़ियाँ चढ़ के। इजाज़त है जना? अलाउ ही नहीं है। क्यों? ममनू इलाका। चलो नीचे से ही देख लो यार, नीचे से ही काफी अच्छा है। बस ऊपर जा के दो मिनट आ जाएंगे। नहीं ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बस सीधे सामने से हो गया, दो मिनट में आ जाते हैं। ऊपर यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो। चलें ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से वो मना कर रहे हैं। सही है। ये सब उन लोगों की तस्वीरें हैं जो कि हमारे मुल्क का फख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया इस दुनिया में, और अपने मुल्क की सलामती के लिए और पाकिस्तानी अवाम और उसके फलाह बहबूद पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतें करे, आमीन। बड़ा खूबसूरती के साथ ये बनाया गया है रॉक। एक वो है, क्या कहते हैं, आइलैंड मतलब म्यूजियम, असल सांप रखे हुए।
जिंदा जिंदा नजर आते हैं वहां पे। हां चलो देखते हैं जाके उसका टिकट मेरे पास इतना उधर आए वो पर मजे की जगह। तो हम जा रहे हैं जी सांपों के म्यूजियम में जहाँ पे उन्होंने सांप रखे हुए जिंदा सांप। अभी तो नहीं जा रहे, वो तो दूसरी जगह पे गांव पे है तो जिधर से हम एंटर हुए थे तो फिर उधर बताते हैं ना, अभी शामिल कर दी वीडियो में। चलो इधर नहीं है यार वो जगह, वो जगह जो है वो आगे जाके है। बहुत प्यारा तरीके से गार्डन सा बनाया हुआ इन लोगों ने यहाँ पर, और देख लो यार आप सारे। इंशाल्लाह यार ये व्लॉग बेहतरीन होगा इंशाल्लाह, सपोर्ट करनी है आपने सारों ने। आपके लिए हम लोग इतनी दूर दूर जाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, अपने मुल्क को दिखा रहे हैं, ठीक है। वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, सो काइंडली सपोर्ट अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक अस। Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. You tell me one thing, do another, tell me where you stand. Tell me what is going on tonight inside your mind. 'Cause this isn't the way that we planned it. This isn't the way that we dreamt of living, drifting further apart. What happened to happy ever after? What happened to living like forever young? Seems like we're living in a nightmare. Is this just to escape this, 'cause you don't know what's going wrong. This could get dangerous real fast if you're left on your own. I think you need some time, I think you need some hope, I think you need someone to tell you that this is the darkest, this is the dark. Mama aa chuke hain jis jagah par, wahan pe inhone kuch parinde rakhe hue hain, और सबसे पहले जो हमारा सामना हुआ है वो तुर्की के साथ हुआ है। वैसे इस लव से बड़ी मोहब्बत है, और टर्की इनको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू में पता नहीं का क्या नाम है, वाइट टर्की है यार ये। काइंडली देख लो इनको, अगर इस तरह नज़र आते हैं तो, और अगर इस तरह नहीं आते तो बैक कैमरा खोलते हैं यार आपके लिए। जंगला फिर भी आ रहा है, चलो वो सामने देखो यार, बड़ी खूबसूरत है यार ये जानवर। ये तो मेल लग रहा है बिल्कुल, ये मेल है से वो फीमेल्स हैं तुर्कीज। अच्छा रखा हुआ यार इन्होंने, तुर्की नाम था, झंडा भी लगा था तुर्की का। उसके बाद हम आ गए हैं जी रिंग नेक्ड फीसेंट, इनका उर्दू में भी नाम लिखो यार, इधर आई कोई नहीं, ओ बैठे इन्हें, वाह जी वाह बहुत खूबसूरत हैं ये तो। के करने पे हो, कलरफुल है वो, फीमेल है और हाँ, मेल है वो, मतलब वो है ना मेल, वो मेल है, मान मेरी बात वो मेल है यार, जो कौन सा कलरफुल जो के, हाँ हाँ वो फील है। तुम्हें किसने बताया इसका, मैं कंफर्म करता हूँ, मेल है वो, मेल है, मेल है वो, मेल है और ये फीमेल बैठी हुई है, ये दोनों दो कौन सी हैं, अच्छा वो भी है हाँ, अच्छा वो हाँ क्योंकि मुर्गा मुर्गा वो सामने रहा जी। जो बंदा था तो मैं सोच रहा था मतलब फीमेल होते वो प्यारी होती ना, उसने कहा था नहीं मेल जो मेल होता है दादा उल्टा होता है, मेल ज्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, ये ना हो कि कोई हमारे पर वो कर दे, हमें रिपोर्ट कर देगी कि ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नहीं भाई दोनों ही खूबसूरत हैं, अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन खुद देख लो, फैसला कर लो, कुदरती तौर पे देख लो कैसा चमक रहा है वो शहजादा, शहजादों की तरह। फीसन नाम था, मुझे उर्दू में नहीं पता इनको क्या कहते हैं, और ये क्या चीज़ है भाई मेरे, इनका नाम इस तरफ लिखा हुआ है, ये भी है जी फीसन ही है वो, सामने कोई और नस्ल होगी इसकी, वो रिंग नेक थी ये पता नहीं क्यों, ये भी वही है, खूबसूरत है यार आप भी मेरे भाई प्यारे हो बहुत। उसके बाद ये आ जाओ जी, ये भी वही है, रिंग नेक फीसेंट, हाँ घोड़ा भी है भाई, की हाल ने ठीक है हो, और राजा जी पिंडी पिंडी है, पिंडी पिंडी है, ठीक है हो पिंडी आके, क्या करने पे हो,
ਇਸਾ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਬੁਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਬੁਆਏ ਓਰੀਜਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਮਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਓ ਵਾਓ ਜੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫੀਸਣ ਦਿਖਾਏ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਰਿੰਗ ਨੈਕਡ ਔਰ ਅਬ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮ ਪੀਕੌਕਸ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਉਰਦੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੀਕੌਕਸ ਔਰ ਮੋਰ ਬਲੈਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੀਕੌਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਵੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਮੇਲ ਵੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਆਓ ਮੇਲ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਬੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਰ ਮੇਲ ਮੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਫੀਸਨ ਇਹ ਨਸਲ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ मुर्गा लग रहा है कोई मुझे फीसेंट है ये भी सिल्वर फीसेंट मेल और फीमेल और ये मेल साहब हैं भाई ये हमारे साथ जी फीसेंट बैठे हुए हैं फीसेंट मियाँ की हाल ने ठीक हो कार बार खैर ये थे बड़े सोने हो तुसी यार तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह ये टर्कीज़ फिर आ गए यार ये दूसरी नस्ल की है टर्कीज़ खूबसूरत टर्कीज़ हैं खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह मेल साहब की हाल ने ठीक हो मेल ही हो ना तुसी हाँ की हाल ने कारोबार खैरियत ने वो मेल तो नहीं है वो मेल है यार ये नहीं है मेल है फीमेल है मेल वो है वो पीछे जड़ा है वाह मेरे की हाल ने ठीक है बादशाह हो किधर जाने पे हो रुक जियो यार लुक लुक स्टाइल यार शेर शेर ही मुझे बहुत पसंद है यार बंदों की तरफ हम आ गए और ये है इंडियन ब्लू पीकॉक ब्लू तो नज़र नहीं आ रहे मुझे इनका कलर कुछ और ही है चले मान लेते हैं ब्लू ही हो गए वाइट पीकॉक सफ़ेद रंग किसको नहीं पसंद माशाल्लाह बहुत प्यारे यार ये क्या अच्छा वाइट की पीकॉक के बाद आगे चलते हैं ब्लू पीकॉक भी रहेंगे फिर इंडियन ब्लू पीकॉक आ गए इंडियन वर्ड बार बार आ रहा है कुछ लोगों को इंडियन सुनने के बाद कुछ हो जाते हैं हाँ सुंडी 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 याद है वो हाउस में हाँ वो कहते सुंडी 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 नहीं दो आशिक ये आप हीरो रंजा की हम आपको कहानी दिखाते हैं फिलहाल तो भूखे लग रहे हैं इनको भूख लगी है कुछ क्या दें इनको खाने खाने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है फिलहाल चलो दाना खाओ अपना हम क्या कर सकते नादिर ने इस तरह किया हुआ है माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है पर खोल के और अभी एक और बात बताऊं कि इसके पीछे से हवा नहीं दे रहा ये हवा भी कोई देते हैं पीछे से और बहुत खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है इस वक्त हम व्लॉग यानी जो जारी है व्लॉग उसमें बता रहा हूँ कि अब ऊँट की हम सैर करने वाले हैं ठीक है शर्जील भी बैठा हुआ है और मैं भी ठीक है मेरे भाई मैं मोबाइल पर पकड़ लूँ ना कोई मसला तो नहीं एक हाथ से फिर से ऊँट की सवारी आज वो व्लॉग में डाली थी वैसे मैंने अपलोड किया था व्लॉग और फिर हम ऊँट में यार इसका अपना ही मज़ा है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर से हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दस पर अमल करने की तौफीक दी है और ऊँट पर बैठने की तौफीक दी है बोलो शर्जील कुछ तुम भी मज़ा आ रहा है यार तुम इसी तरह कहते हो और मैं तुम्हें कहता हूँ यार इसका अपना ही मज़ा है बस अयूब पार्क में इस टाइम बैठे हुए हम रावलपिंडी अयूब पार्क में ऊँट की सवारी कर रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन है यार ये भाईजान ने बड़ा अच्छा हमारे साथ सेटअप रखा है मोहब्बत दिखाई है उन्होंने तब बैठे हैं हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है बोलो कुछ इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल यार उस दिन वाली थोड़ी तेज थी आज वाला थोड़ा मज़ा आया दादा रोड भी प्यारी है ना वो जगह बड़ी ऊपर नीचे थी बोलो कुछ सर ये ऊंट की सवारी कर रहे हैं ये देखे ऊंट भागने लगा है बैग खुला हुआ है अब हम वापस जा रहे हैं शर्जील मेरी तरफ देखते रहा करो ताकि तुम आओ बीच में हाथ करो अपना इशारा करो बिल्कुल यार इसकी यार ये बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह ना बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी सवारी है और मतलब घोड़े का भी अपना मज़ा है लेकिन ऊँट का यार अपना ही एक अलग मज़ा है माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है ब्लॉग में आएगी ये चीज़ हम पहुंच गए हैं अब अपने आखिरी स्टॉप के ऊपर यानी वापस आ गए हैं और अब उतरने वाले हैं ऊँट से ऊँट के ऊपर बैठना और उतरना दोनों ही मुश्किल काम है काफ़ी तो बैठने लगे हैं नीचे
पता नहीं कैसे बैठाएगा ऊंट को वो। नीचे कुछ तोबा। चलो समीन जंगल वर्ल्ड की एंड जू की, इसके बाद अंदर जाके जो मज़ा है वो काफ़ी है इस जगह का। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं, जू से रिलेटेड भी, वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी मतलब फ़न है काफ़ी यार, जाए जितना ज़रूर यहाँ पर जब आओ तो। जो हैं वो जंगल वर्ल्ड जा रहे हैं, टिकट घर पहुँचे हुए। जंगल वर्ल्ड पार्क एंड जू है, ठीक है, ये जंगल पार्क भी है और जू भी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसा है ये अंदर जाके। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से तो इनका इंतज़ाम, लेकिन अब अंदर जाके पता चलेगा क्या करते इन्होंने रखा हुआ है निज़ाम। सो देखते जाइएगा फिर उसी हिसाब से। अब हम जंगल वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं और मतलब मास्क हमने चढ़ा लिया क्योंकि यहाँ पे लाजमी है मास्क चढ़ाना। अच्छी जगह है काफ़ी। अभी देखते हैं शर्जील हमें यहाँ पे स्पेशल इधर का उसने कहा था कि आना है, तो ज़रूर यहाँ पे इंशाल्लाह एक्सप्लोरेशन करेंगे। काफ़ी लंबा यहाँ पे सेटअप है, सो बेफिक्र है, आपको सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छा है, आपको ऐसा लगेगा आप खुद इस जगह से। हाँ बिल्कुल जी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी इन ब्लॉग्स में। एक तो मेरा हेयर कट भी अब चेंज हो गया, पहले मेरे बड़े बुरे बाल हुए हुए थे, इतने बड़े बड़े बाल थे। और इस पे लाजमी कमेंट करें। हाँ बिल्कुल, इसे कमेंट करिएगा। बाल मैंने काफ़ी अब चेंज किए हैं, छोटे किए हैं, बड़ा आज हो जाए। ओर्टन पीकॉक, जावा ग्रीन पीकॉक, ये सारे वही हैं। ये पीकॉक नहीं है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ क्या चीज़ है, लेकिन डक की नस्ल से कोई लग रही है, बड़ी प्यारी है। दिस इज अ ब्लैक शोल्डर पीकॉक, खूबसूरत है यार। वाइट पीकॉक है और पीकॉक्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। और यार ये बचपन में ना बच्चों का बहुत डरावना एक सपना था ये जगह, एक तरीके से कि लोग जो हैं वो डरते थे अंदर जाने से, यानी ये शेर बंद कर देगा। खासतौर पर मैं तो खुद डर जाता था बड़ा, जब यहाँ से गुजरता था ऐसा लगता था जैसे क्या नाम है, ये शेर जो है अपना मुंह बंद कर लेगा मैं अंदर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। और अगर आप इस जगह को पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बचपन बेहतरीन गुजरा। हाँ बिल्कुल, ये अंदर से तो इस तरह है, अंदर स्पीकर लगे हुए हैं, आज हमें डर नहीं लग रहा ज़रा भी, उस टाइम वो डर लगता था। यहाँ से वापस चलते हैं यार, अब हम आगे जाते हैं शेर के दरख्त के बाद। शेर का जो ये दरख्त नहीं है बल्कि शेर का मुंह जो है, इसको देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। शर्जील आ जाओ यार, किधर से वहाँ से जाना है, इधर से आ जाना, हम मुँह के अंदर से जा रहे हैं, इसके खूनी जानवर के मुँह के अंदर से, बड़ा अजीब होता है वैसे। पकड़ो शर्जील, फ्रंट खुला हुआ है, वो जगह है इधर मैं आता था आया बचपन में ना, फंकी टॉमी, फंकी टाउन कहते हैं इसको, टॉमी टाउन कहते हैं। और ये यार इधर आके उछलते थे हम लोग और बड़ा मजा आता था, यादें हैं, पकड़ाई खेलते थे, बर्फ पानी, क्या मजा आता। बहरहाल ये बड़ी करते हैं अंदर से दिखाने की आप, बड़ी अच्छी जगह है जाने दिया यार। ये इस तरह का है, इसमें हम जाके छुप जाते थे, छुपन छुपाई और फला फला, बड़ा अच्छा था ये। मुझे याद है, मुझे यहाँ से वैसे डराने सपने भी याद आ रहे हैं जो मेरे साथ हुआ था। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हमें छोड़ के यहाँ पे ना घर वाले चले गए बहुत दूर, तो हम डर के मारे फिर नंगे पैर भागे थे इधर से। अच्छा, जब एक बात जो इसकी है कि हमें जब बारी हमारी ख़त्म हो जाती थी तो हम छुप जाते थे अंदर, हम निकलते ही नहीं थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। हाँ साहब, एंट्री थी इनकी, बड़ी प्यारी जगह यार। अच्छा, हम इतने छोटे थे इसमें से चले जाते थे, अभी भी चले जाएंगे, इधर फंस जाएंगे, चले जाते हैं अभी भी, आ जाओ नहीं बसते यार, क्या हो? एक वैसे तो बनाया ही नहीं मैंने भाई, हम अब शेरों की तरफ जा रहे हैं यार। आ जाओ मेरे भाई इधर से, उधर उधर हमारा काम ही नहीं है शर्जील, इधर आ जाओ। ओए होए, करीब से देख रहे हैं यार इसको, उई लेपर्ड, और यार इसका यू नहीं करना, लेपर्ड नहीं टाइगर है, और उधर से आओ, उधर से जहाँ से करीब से नजर आए सही तरीके से यार, बड़ा
एलेक्स और एल्सा नाम। अच्छा नाम लिखे हुए एलेक्स और एलेक्सा जी। ये सबने स्नो लेपर्ड है, हमने जूम किया कैमरे को। लेपर्ड नहीं है, टाइगर है। हाँ टाइगर है, एक मिनट, टाइगर है यार ये स्नो टाइगर जो यहाँ पे, स्नो ही टाइगर, वाइट टाइगर कह लो वो है। माशाल्लाह कितना बड़ा है यार ये, इसको तो ऊपर सवारी करने का दिल चाह रहा है। और वो पीछे देख रहे हो, वो बंगाली टाइगर हैं, उन्हें हम बंगाली भी कहते हैं, पाकिस्तानी भी शायद हो सकता हूँ, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे हैं यार। आउटस्टैंडिंग, ये परिंदों की दुनिया है लेकिन हम तो शेरों की दुनिया से लगाव रखने वाले लोग हैं। पीछे शेर है भाई, वो देखो वो आ रहा है इस तरफ। शेर मियाँ, एलेक्स लड़ने के लिए सोच रहे हैं दोनों आपस में। एलेक्स, एलेक्स आ रहा है, एलेक्स, इसका नाम एलेक्स है यार। नाम तो कोई शेरों वाला रखते, पाकिस्तानी नाम रखते। ये दोनों मेरे ख्याल से आपस में वो करना चाह रहे हैं, कोई झगड़ा झगड़ा। बड़ा प्यारा यार ये रिकॉर्डेड सेटअप है ये। यार ये सारे किस्म के मोर हैं, इंडियन मोर हो गया, ब्लैक शोल्डर पीकॉक हो गया, वाइट पीकॉक है, ठीक है, ये सारे वो ही हैं, पीकॉक्स हैं यार। फीजेंट, हाँ फीजेंट भी है इधर डाला हुआ इन्होंने, वाइट फीजेंट भी डाले हुए हैं, बीच में मोरों के साथ ढके हुए इन्होंने फीजेंट भी, पता नहीं क्या चाहते हैं। सब ये परिंदों की, परिंदों की दुनिया है यार ये, कितने ज़्यादा परिंदे हैं देखो, वो सामने भी परिंदे ही परिंदे हैं। घर में ऐसा होना चाहिए, हाँ जगह इतनी होगी तो ज़रूर। उन्होंने देखो कितना अच्छा बनाया हुआ सेटअप, ब्यूटीफुल यार, सो ऑसम। बंगाली शेर हैं इनको, वैसे बंगाली शेर कहा जाता है मशहूर, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि उधर बंगाल से ही हों यार। शेर बंगाल याद है, मौलवी ए के फजल उल हक, बड़े बहादुर शख्स थे पाकिस्तान की तारीख में, जिनका नाम है वो हमेशा शेर बंगाल के नाम से याद आता है। यहाँ वज़ीर आला हुसैन शहीद सुरवर्दी साहब, ये दो बंदे ऐसे थे यार बंगाल के ना, जो पाकिस्तान बनाने में बहुत आगे आगे थे। तुम्हारे बिल्कुल पास, इट इज़ वेरी डियर यार, इसे बहुत करीब आ चुके हैं हमारे अब ये शेर, और अब जा रहा है वापस। वो भी आया था सर जी उधर से, मैंने कभी कर लिया है, कब बना लिया, लेकिन इतना करीब में नखरे होते ना भाई। तो हम शेरों के पास हैं इस वक्त, ये टाइगर्स हैं। लायन इधर नजर नहीं आया मुझे अभी तक, मेरे ख्याल से लायन है ही नहीं इधर, है इधर ऊपर चढ़ गया। चलो जाता, आई हैव मिस्ड द पॉइंट जब वो मेरे पास आ गया था काफ़ी, और अब तो वो मुड़ गया है वापस। चलो चलें, वाइट वाला जो है वो भी इधर बैठा है करीब, हमने कहा कि क्या नाम है, देख लें इसको करीब से भी देख लें। वो देखें जी सामने है, ये सामने बैठा हुआ है लायन। इधर देखो एलेक्स, देखना इधर एलेक्स, इधर मुड़ जाए एक सेकंड के लिए बस। एलेक्स मुड़ा है, एलेक्स, एलेक्स लुक, आई एम द लायन, यू आर द टाइगर। वही तरीके हम जा रहे हैं जी आगे, जू में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ज़ेब्रास, उसके अलावा डियर्स, वो सामने लड़ रही हैं, डियर्स देखें फाइट कर रही हैं आपस में, अभी रुक गए हैं, कैमरा करो तो चीज़ रुक जाती है यार। बारह सिंगर टाइप लग रहे हैं, लेकिन इनका नाम हॉक डियर्स, इनको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता हॉक डियर्स को, पर बारह सिंगर टाइप लगी हैं, खूबसूरत हैं, दिखाते हैं जी आपको भी इनका। मुझे लगता है मेरे मोबाइल की मेमोरी ख़त्म हो गई जाएगी, मैं तो दिल चाह रहा है मैं चला जो अंदर यहाँ से छलांग मार के, फिर वो मुझ पर हमला करने आए। मेरा दिल कर रहा है इनका, बड़े मज़े की होती, बहुत महंगी और बहुत मज़े की होती है, कितनी कितनी प्यारी है वो यार। अभी यहाँ पे शेर को छोड़ देना तो क्या मज़ा ही आएगा। आई ये गलत गलत बात है, गलत है, तुम्हें कितना जुल्म है, साथ होते हैं तुम्हें जुल्म है तेरे मेरे भाई, जुल्म भरा है तेरे, क्या तूने बात की यार। ये ज़ेब्रास हैं, मेरा फेवरेट जानवर है ज़ेब्रास, घोड़ा और ज़ेब्रा मुझे दोनों बड़े पसंद हैं। ए बी सी सीखी थी जेड से ज़ेब्रा, ये याद आता था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, करीब से देखो तो दिल जाता बस इनको अपने पास लगा लूँ, वो कुछ नहीं कहते, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये दफा ना मेहनतों का किया था,
जो पीछे उसकी नहीं वो धुम के साथ जो जगह जाते उन्हें हाथ लगाया ना धुम चलने शुरू हो गया। तो मजे की जगह है ये देखो, ये देखो डियर्स की दुनिया में हैं हम, पसंदीदा तरीन है मेरी ये डियर्स। आपको याद होगा एर्थुरुल रहमतुल्लाह अलैह जब जाते हैं तो वो भी डियर के पीछे ही जाते हैं शिकार के, तो वहाँ पर उनको जो है वो मौका मिल जाता है बचाने का हलीमा सुल्तान को। देखें यार माशाल्लाह आओ यार बाबा जी स्पॉटेड डियर्स वो सामने हैं स्पॉटेड डियर्स, इनके बारे में मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, बहरहाल ये है कि प्यारी हैं काफ़ी माशाल्लाह, हर चीज़ प्यारी है इधर आई हैं यार सारी। ठीक है मेरे भाइयों, हाँ हाँ पानी होती है बहुत प्यारी हैं यार, इनका तो देख के दिल चाह रहा है। मेरे सामने वो आ गए कबाब बने हुए टिक्के और इनके पाए और इसको लेके गली में घूमे, ये देखो नील गाय लेके आए हैं, नील गाय ब्लू बुल्स, नील गाय ब्लू बुल्स माशाल्लाह, शक्ल में ब्लू नहीं है, ये नहीं जाना कि जी ब्लू कलर नहीं है तो ये ब्लू नील गाय नहीं है। ठीक है बहरहाल बड़ी प्यारी है यार ये, कम आपको बताएं मतलब सीक्वेंस नहीं रहता व्लॉग के अंदर, बंदा आप क्या बताए ना, अभी हम इतने एक्सपर्ट हुए हैं जो सीधी सी बात है, पर अभी हमने काफ़ी हद तक डियर्स देखी हैं, टाइगर्स देखे हैं और उसके बाद हम गए हैं जी एनिमल्स की तरफ, सॉरी बर्ड्स की तरफ गए हैं, पीकॉक्स और फीसेंट और पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ था वहाँ पे दुनिया, और उसके बाद ज़ेब्रास देखे हैं हमने, नील गाय देख ली है हमने, और काफ़ी किस्म की हमने हिरने देखी हैं, बारहसिंगा देखे हैं। ठीक है उसके बाद अब हम जो है वो भेड़ियों की तरफ जा रहे हैं। शर्जील क्या सवरात हैं तेरे यार मेरे भाई, बोल कुछ तू भी, बच के रहना चाहिए मेरा तो यही ख्याल है भेड़ियों से, भेड़ियों से भेड़िया वैसे यार बहुत खसूसियात का जानवर है, इसकी खसूसियात पर कभी मैं वीडियो खुद भी डालूंगा यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह अज़ीज़, स्टे ट्यून्ड रहिएगा चैनल के साथ, तो ज़रूर हम डालेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए जो आपके लिए नहीं होंगी। वो जनाब सामने सोया हुआ है भेड़िया, भेड़ियों से बड़ी यादें है, वेयरवुल्फ जो मतलब ट्वाइलाइट जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, दूसरा फिर द जंगल, वो क्या थी द जंगल किंगडम, नहीं नहीं जंगल बुक, जंगल बुक मोगली वाला, मोगली यार भेड़िया बहुत वफ़ादार जानवर है, बहुत अच्छा जानवर है, वफ़ादार एक तरीके से अपनी ख़ानदान के लिए बहुत है, हमारे इंसानों के लिए तो नहीं लेकिन कहते हैं कि इसकी बहुत खसूसियात है, मैंने बताया मैं इस पर वुल्फ पैक होता है मतलब वो एक तशबी देता है बंदा। यार अब जो है वो हम जा रहे हैं आगे, किधर जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं जी ऑस्ट्रिच की तरफ, ऑस्ट्रिच को देखने के लिए, और ये देखो यार पानी है और वो सामने डक्स हैं, वो देख रहे हो पानी में डक है ना, मोबाइल ना गिर जाए मेरा, ये देख लो एक ही रास्ता बना है, अगर उधर से भी जाते तो जा सकते थे, वो हैं भी उधर ही, ये एक आया हुआ इधर, इसको दिखा देते हैं सामीन को, क्या हाल है ठीक हो भाई? ठीक हो बच्चे जैसे ठीक हैं, घर में सब खरीदे थे ना करना करें भाई, ये तो गीज़ हैं, ये वाले गीज़ हैं, शर्जील सोई भी है यार, आ जाओ इधर, डक्स की दुनिया में आ चुके हैं हम, मैं खुद भी खिदमत कर चुका हूँ डक्स की बहुत ज़्यादा, आप लोगों से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, आप लोगों के नज़रियात से वाकिफ़ हूँ, उस मेरे पास एक काला करा था, इधर आओ ना, करा था मेरे पास, वो गीज़ हैं सामने जा रही हैं, बड़ी प्यारी डक्स रखी हुई हैं इन्होंने, ये देखो कितनी प्यारी है, वो बड़ी सुलझी सुलझी सी हैं माशाल्लाह से, करा करा तुम लोगों को सलाम दे रहा है, करा 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 को जानते हो, करा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जवाब दे रहे हैं करा का, खिदमत पलावा हमारा मकसद है यार, ये वीडियो नहीं, स्वैंस देख लो यार, वहाँ पे डक्स थी यहाँ पे स्वैंस हैं, और तुम देखो इनके सामान कर रहे छत पे रखने घर की ना, स्वैंस का हम सोच रहे थे रखने का, रख सकते हैं यार घर में, इनका खुला बननी चाहिए, वही ना ये कर रही हैं, पोते मार रही है पोते, ये भी जीप सी नस्ल है वैसे, वो उतरा ऊपर है
ये क्या हाल है, ठीक है हो माँ? इसे कहते हैं यार, आई थिंक सो पुमा ही है ये, अगर गलत नहीं हूँ तो। इस ब्यूटीफुल कैट, इसको पुमा कहते हैं। लड़ रहे हैं आपस में, दो है ना? नहीं नहीं, अच्छा एक ही है, एक ऊपर है वो चढ़ावा। आओ उधर से आओ शुरजील, आ जाओ, ये पुमा है यार। मेमरी भी कम है यार वो, यार सामने देख रहे हो शेर का नजर आ गया। ओ भाई क्या हाल है, ठीक हो? मैं भी शेर हूँ, मैं असली शेर हूँ, तुम नहीं हो। मेरा नाम दिलावर हयात है, दिलावर हयात सिकंदर, दिलावर का मतलब शेर होता है। क्या खिला रहे हो, कुछ चीज़ है तुम्हारे पास? फिर तुम्हारे साथ क्यों चल रहा है? बस बस, असल में तो शेर मैं हूँ, तू नहीं है शेर। चलाइए यार, ये थोड़े एक्टिव है ना राजा, बैठ गया जाके, चलो बड़ा है काफी। उम्मा है ना ये, उम्मा जी हेलो। ये पुम्मा था यार, जयगवार था या पुम्मा था, मेरे ख्याल से है तो पुम्मा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं इसको कि जी ये क्या चीज़ है। तो ये जी नाम इसका क्या लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, पुम्मा ही है मेरे ख्याल से, बिल्कुल पुम्मा है। सो अच्छा लगा है, काफ़ी एक्टिव था, हमारे पास भी आया है, इसको बता दिया मैंने कि मैं कौन हूँ। हमारा तो जो झंडा था वो भी, उस पर भी शेर का निशान था, बबर शेर। ये तो फिर चलो वो है, बात आ जाती कि इनको बबर शेर क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। तो बाकी अगर आप लोग सब जानते हो, समझते हो, किसी को शक क्या है कमेंट करा करे, बात किया करे यार। और अभी हाँ बतखों में आ गए, वो देखो यार डूब रही हैं पानी के अंदर, माशाल्लाह मस्कवी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी मस्कवी है, मेरी इस तरह कवि थी ना, वो भी इसी तरह की है, बिल्कुल बिल्कुल ये सारी। यार ये वाइट मस्कवी आई लव यार, ये चीज़ मजे की है, ये ले के आनी थी वाइट, काली ले आई उठा के। यार डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि जी कलर डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। हमें वाइट भी उतनी यजीद है जितनी ब्लैक, हम खाली डाइवर्सिटी बता रहे कितनी। हमारे पास जो थी वो ब्लैक थी, तो हमें वाइट पसंद है। चलो आओ यार, बबर शेर की दुनिया में जा रहे हैं और रीच की दुनिया में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताऊँ कि बबर शेर से के मुकाबले का काला शेर जो होता है, बल्कि सुना काला शेर ज़्यादा ताकतवर होता है। तो लेकिन चलें, बबर शेर को भी हम बादशाह समझते हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत चीज़ है। तो उसकी तरफ जा रहे हैं, अब देखो कहाँ पे है वो रखा हुआ इन्होंने, हम देखते हैं उसको। रीच है लेकिन रीच नज़र नहीं आ रहे, ब्लैक बियर्ड्स यानी वो अंदर घुए हुए हैं, मुझे नहीं पता क्यों वो अंदर हुआ है, बहरहाल वो अंदर है, वो ऊपर है। अभी अगर नज़र आ जाए उसकी ईवल शक्ल तो दिखा देंगे आपको, होते बड़े ज़ालिम हैं वो, हमने है वो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। वो ज़ूम किया मैंने, अब नज़र आ गया होगा काली सी लाज। यार रीच जो है वो तो मेरे ख्याल से अंदर गए हुए हैं, कोई पता नहीं है, लेकिन लायन जो है वो अब आपको दिखा देते हैं हम। वो लायन अब सामने आ गए हैं, लायन वाली जगह पे हम आ गए, सो ज़रूर दिखाएंगे आपको। ये शेरों का हिस्सा है सामने, लायंस, बर शेर साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वो सोए हुए हैं शेर साहब, बिल्कुल शेर सोया हुआ है। अगर मैं हाथ उसको सुनूँ, स्लो सो रहा है, और शेरनी साहिबा उठी हुई हैं, तो इनके पास ज़रूर जाते हैं हम। ये सामने जी शेरनी साहिबा हैं, शेर तो सोए हुए हैं, शेर को जगाओ जाके, सुना है शेर को जगाओ जाके। भाई वो सामने बबर शेर साहिब सो रहे हैं, और वो शेर के बारे में बताओ यार। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली ना कर, जाग गया तो वो जाग गया, फाड़ देगा। जाग रहा है। तो ये जो है ना शेर साहब सो रहे हैं, और सोया हुआ शेर भी आपको बताए वो अगर वैसे करीब जाओ तो उठ जाता है, जाग जाता है, खतरनाक होता है उसे अगर जगा दो आप। सो ही स्लीपिंग वाइल द लाइनस जो है वो उठी हुई है और हमें देख भी रही है। क्या कर सकते हैं, शेर सोया हुआ इस टाइम आराम का टाइम है बादशाह सलामत के, क्या कर सकते हैं। बादशाह सलामत का यही होता है बस, याशी का हुजूर उठ जाओ। वो भूत बंगला जा रहे हैं, भूत बंगले का टिकट लेने लगे हैं, आई थिंक सो 80 रुपये का है।
अभी टिकट लेने आए हैं यहाँ पे हम। ये भूत बंगला में हम जा रहे हैं अभी इस टाइम इंशाल्लाह अंदर, देखो क्या बनता है इसका। क्या जज्बात है, जज्बात यही है यार कि भूत बंगला में जाने वाले हैं हम। पसीना भी काफ़ी आ गया यार, गर्मी है होगी, है दिन का टाइम है, धूप की वजह से गर्मी लग रही है, चल चल के हमारा आ रही होगी। तो शर्जील बस जा रहे हैं बंदर यार, डर लग रहा है डर लग रहा है। जब पहले जब बचपन में इतना बड़ा डर लगता था, अब मुझे नहीं पता मैं क्या चेंज आ गया इधर क्या सेटअप है, लेकिन बचपन में बहुत डर लगता था। यानी मतलब उन्होंने लिखे भी लगाया हुआ कि जी बच्चा कोई ना जाए, ठीक है। सो देखो यार, कमजोर दिल के अफराद मत जाए। हाँ तो हम कौन से बड़े दिल वाले हैं, देखते हैं जाके क्या होता है। जा रहे हैं, दरवाजे पे पहुंच चुके हैं हम। शर्जील दरवाजा खड़का रहा है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा मुझे तो। किधर गए हो? यार यहाँ पर जो है वो बंगला में इस वक्त यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। हाँ आराम से, हाँ ठीक है जी, मेरे भाई आ रहे हैं आ रहे हैं। देख रहा हूँ मेरे भाई, सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। और देख रहे हैं यार, ओ हाय हाय भाई, ये किधर आ गए, बस खत्म। यार ये ओ थोड़ी थोड़ी, ओ भाई आराम से यार, क्या हो गया ना, मतलब इतना नहीं है ड्रोना, लेकिन अभी तक मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा डर नहीं लगा उस तरह अभी तक। ये CID और वो जो देख देख के तो बिल्कुल ही नहीं आया। अब मैं फ्रंट कैमरा खोल रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मुझे अभी तक कोई इतना खास भूत बंगले में वो चीज़ नहीं लगी। अब हम फिर अंदर जा रहे हैं, देखो अभी तक मैं ये समझ रहा हूँ कि Allah, फिर बाहर आ गए बस खत्म। तो ये रहा जी भूत बंगला, मतलब ये जो थोड़ा सा हिलने वाला था ये ठीक था, लेकिन उस तरह बहुत डरावना नहीं था इतना यार। मतलब जिस तरह देखा जाए कि 80 रुपये रखे हुए इतना नहीं रेट होना चाहिए इसका, मैक्सिमम मेरे ख्याल के मुताबिक मैक्सिमम 50, इससे ऊपर नहीं है। 20 रुपए यार, सस्ता ड्रोना था, मतलब यार क्या चीज उसका, ये कौन सा मजा आया जब ना उन्होंने लाया है हमें बहुत अदन। वो थोड़ा था मुझे, मैं थोड़ा सा हो गया था कि यार मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं आगे अगर आगे चल नहीं पा रहा था, बहुत अदन वो हिला रहा था तेजी से,
तो इसके अलावा बाकी मुझे तो कोई इतना समापन नहीं लगा, मतलब कि जिस तरह बंदा कहे कि जी बहुत कोई ड्रोना या भूत बंगला जिस तरह होना चाहिए, इससे काफ़ी इसको इनको चाहिए कि अपग्रेड करें। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि बंदे को साफ पता नकली लग रही होती हैं मैक्सिमम, थोड़ा सा रियलिटी लेके आए थोड़े, मतलब मासरत के अंधेरे की वजह से हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सके। हाँ नहीं बिल्कुल, मोबाइल की चार्जिंग भी मुक गई थी, कैम और फ्लैश कोई नहीं था वहाँ पे सेटअप, तो जो बनाया है थोड़ा बहुत वो देख लीजिएगा, अच्छा ही वैसे बनाया, कोशिश की है पर यार अब हम इधर आ गए। प्रोटेक्ट भी आई एम नॉट डिस्पोजेबल रख ने लगाया हुआ है यहाँ पे, ज़रूरी है कि अपने वज़ीर आज़म का एक विजन का जिक्र किया जाए व्लॉग के अंदर भी, कि उन्होंने कहा है कि हम 10 बिलियन ट्रीज लगाएंगे। यार हम उनका खैर मकदम करते हैं इस हुक्म पे। कल डॉक्टर राशिद महमूद ने भी इस पे बताया था कि जी क्या फ़वाद हैं दरख्त ज़्यादा लगाने के, शहद के अगर लगाए तो मतलब लगाएंगे दरख्त तो शहद के ऊपर क्या इसका असर आएगा, यानी अगर दरख्त ज़्यादा होंगे तो यकीनन हनी बीज को ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा शहद बनाने के लिए। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरख्त उन चीज़ों के लगाएं जो बहुत ज़्यादा आपको यील्ड दें, यानी जैतून हो गया, यानी ये जो शहद के हवाले से जो बेरी का बिल्कुल, और इसके अलावा भी यार जो क्रॉप्स ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपको फ़ायदा देंगी वो ज़रूर लगानी चाहिए। तो अल्लाह ताला उनका खैर मकदम करे और उनको इस फैसले में कामयाबी दे, आमीन। या 10 बिलियन ना भी लगे ना, 1 बिलियन भी लग गए ना, देखना कितनी तब्दीली आएगी आपकी। बतखों की दुनिया है मेरे ख्याल से, बतखों की, गीस की। आ जाओ शर्जील, बहुत ज्यादा है ये तो, बहुत ज्यादा है। चल ठीक हो भाई, माशाल्लाह काफी ज्यादा है ये, यहाँ पर बैठी हुई है, पानी में भी जा रही है। सो यार ये बतखों की दुनिया है मेरे ख्याल से, बतखों की, गीस की। आ जाओ शर्जील, बहुत ज्यादा है ये तो, बहुत ज्यादा है। चल ठीक हो भाई, माशाल्लाह काफी ज्यादा है ये, यहाँ पर बैठी हुई है, पानी में भी जा रही है। सो यार ये काफी ज्यादा है इधर, बंदा आप कितनी कितनी दिखाए, आपको क्या चीज दिखाए, और ये है कि काफी ज्यादा मतलब अच्छा इनका है यहाँ पे रखा हुआ सेटअप, और ये देख लो कितनी ज्यादा है, बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आके इनके साथ कुछ टाइम गुजारना। गीज है ज़्यादातर यहाँ पे, बत्थे लगी हैं तो गीज हैं, सारी गीज ही हैं, बत्थे नहीं हैं ये सारी, वो हैं बत्थे सामने वो वाली, वो जो वो दिखा रहा हूँ आपको वो सारी बत्थे हैं, ये सारी गीज हैं। सो गीज की दुनिया है ये, बहरहाल अच्छा है। हम जा रहे हैं स्नैक हाउस जा रहे हैं, ठीक है, स्नैक सांपों की तरफ, सांपों की दुनिया में जा रहे हैं, और मेरी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म है। आप देखो क्या होता है, कितना कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सका दिखाएंगे यार आपको। आ जाओ, ना घोड़ा टाइप है और ये ऊपर कोबरा है, हिल रहा है देखो, कोबरा है ये, इधर भी कोई सांप इन्होंने रखा हुआ है पता नहीं, और ये कोबरा स्नैक है सारे के सारे, स्नैक ईटर इन्हें कहा जाता है, किंग कोबरा है ये, किंग कोबरा। सारे खरगोश हैं, खरगोश की जगह है, इन्होंने सांपों के साथ खरगोश भी रखे हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। खिलाते तो नहीं है तुम लोगों को सांपों को, मेरे बच्चों को नहीं खिलाते हो? ये बिल्कुल यार, ये वाटर स्नेक है मेरे भाई, पीछे भी वाइपर स्नेक देखिए, पाइथन था, मतलब यार अब छोटा छोटी करके दिखा सकते हैं ना, क्या करें, नवाब को पूरा तो नहीं दिखाया जा सकता, नवाब तो नहीं हो ना, पैसे हम भर रहे हैं, हमारे व्यूज़ भी कम है, व्यूज़ दो फिर बात होती है, इतना तो कोई नहीं करता यूट्यूबर के, जो इतने थोड़े सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी इतनी दूर जगह आपके लिए डिस्कवर कर रहा। कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पर अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़ा अच्छा हमने डिस्कवर किया फुल। हम पहले लेक साइड पे गए थे, सुबह सुबह आए थे और बड़ा खाली था, कोई बंदा बंदे की ज़ात नहीं थी यहाँ पे, और अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, यानी अब आप सलाह हाफिज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं कुछ एक तरीके से इस पूरे दिन की प्रेसी या फिर शॉर्ट लफ्ज़ों में शर्जील से पूछूँ कैसा लगा उनको, तो वो हमें पहले बताएंगे, फिर मैं अपना मौक़िफ दूंगा, और फिर आपसे हमेशा की तरह की दरख्वास्त करेंगे जो हम करते हैं यूट्यूबर्स, और फिर आपसे खुदा हाफिज़ कहेंगे। शर्जील मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा है, मतलब पिंडी में ये इससे बेहतर जगह मेरे ख्याल से कोई नहीं है, कि जहाँ पे आपको झील भी मिल जाए, जानवर भी मिल जाए, झूले भी मिल जाए, और जिप लाइन भी है, सांप भी है, तो काफ़ी बेहतर था।
अच्छा हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। तो यार ये शजीर का मौकिफ था कि मतलब इतनी जगह, मतलब इस हवाले से जो सोसाइटी के हवाले से ये जगह बहुत प्यारी है, पिकनिक पॉइंट भी अच्छा है और बहुत डिस्कवर कर सकते हो, जू भी आपको साथ मिल रहा है और ओवरऑल आप बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ें साथ इन्जॉय भी कर सकते हो, यानी मल्टीप्लेक्स चीज़ें कर सकते हो, आर्चरी कर सकते हो, फुटबॉल क्रिकेट वो एक अलग आ जाती है चीज़, उसके अलावा जिप लाइन कर सकते हो, ठीक है, ये स्नेक हाउस है, ठीक है, भूत बंगला, पता नहीं बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर बोट पे बैठ सकते हो और बहुत कुछ। तो हमने तो इतना कुछ नहीं किया वैसे, बोट वगैरह पे नहीं बैठे, पर ये है कि उस तरह ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जगह है। सो ज़रूर आएँ यहाँ पे, विज़िट करें, हमारा मकसद यही था कि इस जगह को प्रमोट किया जाए, हमें कोई स्पॉन्सरशिप तो है कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने मुल्क की जो जगह है उनको सपोर्ट इसी तरह करेंगे जितना हमसे हो सका। तो ज़रूर इस जगह का विज़िट करें, फैमिली के साथ आएँ, ठीक है। और ये है कि हम अगर इस जगह को रेट करें जी 10 out of, तो शजील क्या रेट दोगे इस जगह को? 10 out of 7। शजील ने 7 दिए हैं और मैं जो हूँ वो भी तकरीबन 7.5 दे दूंगा, इससे ज़्यादा मेरे भी नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बेहतर करनी चाहिए, कुछ रेट्स इनको जो हैं वो कंट्रोलेबल करने चाहिए, और कुछ चीज़ें यानी जब आप एक चीज़ डिस्प्ले कर रहे हो तो उसको उस जगह पे रखो भी, यानी मतलब अगर आपने स्नैक्स की हुई है चीज़ तो फिर फुल वहाँ पे चीज़ मौजूद हो, ये नहीं कि स्नैक्स कम है या सोए हुए हैं या जगह खाली हैं, केजेस, ये चीज़ नहीं चलेगी, तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बंदे के ऊपर। तो उसके अलावा बस ये है कि इंतज़ामिया भी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, यहाँ पे पार्किंग का भी कोई मसला नहीं है, तो ज़रूर आएँ फैमिली के साथ, काफ़ी बड़ा पार्क है और ओवरऑल सोसाइटी बहुत अच्छी है, तो इन्जॉय जो है वो क्या नाम है करेंगे आप लोग। सो फिर ठीक है, हमेशा की तरह जो एक दरख्वास्त करेंगे आपसे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें हौसला दें ताकि हम और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम अपना और बेहतर करें व्लॉग को। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ट्रैक ट्रैवलर्स की वीडियोज़ को, और साथ साथ हमारे जो बेल आइकन है वो तो अगर आपने कर लिया फॉलो तो फिर आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और ज़रूर देखें यार वीडियो को। तो खुदा हाफिज़, फिर खुदा की अमान में, अल्लाह हाफिज़ सारों को। और मैं यार आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए मुझे दो, ठीक है, और व्लॉग को इसको जितना शेयर कर सकते हो यार करो, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई है मुफस्सल अंदाज में आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सपोर्ट करो और क्या नाम है अपनी हिफाजत करो। खुदा हाफिज़।